ठंडे ठंडे झोंके जब बादलों को सहलाए, जब नी तब भी किरने जब गालों को छू जाए। वेलकम टू माई चैनल, आई एम निधि शर्मा रॉय और ये बंडीपुर का मेरा डे 3 का ब्लॉग है। अगर कोई व्यूअर्स मेरे ब्लॉग पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे डे 1 और डे 2 का ब्लॉग जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। देखने के बाद प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और ये देखिए, आज इस रिजॉर्ट में नए गेस्ट आए हैं, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिला है, कितने आराम से घूम रहे हैं। हाउ लकी दे आर, है ना? So now we're gonna check out from Wind Tower. And now we have come to the reception area. And now we are going to do the checkout formalities. So here Sumit is busy with finishing his checkout formalities. So ये रहा reception area. यहाँ का और ये मधु भैया हैं, इन्होंने हमें बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया है। चला गया। हाँ, क्या था? वाइल्ड बोर्ड है ना, अभी चला गया वो। चला गया? हाँ, और देखते हैं, अगर हम वो दिख जाए तो हमें बहुत अच्छा होगा। और कर लिया और हम अब अपने कार में जा रहे हैं और बस अब थोड़ा ड्राइव करके अब हम बैंगलोर की तरफ निकल जाएंगे। विश अस हैप्पी जर्नी। टाइगर Sloth Bear, finally it made our trip successful. So lucky. दो कपल लग रहे हैं, right? Animal kingdom में males ज़्यादा सुंदर होते हैं, पर humans में female कौन कौन मेरे साथ agree करता है? Comment section में जरूर बताइएगा। बंदीपुर के आखिरी रास्ते, बस हम थोड़ी देर में ही बंदीपुर का gate cross करेंगे और फिर हम कुंडलपेट तरफ जाएंगे। खत्म होता है बंदीपुर का सफर। थैंक यू। ये इधर आ जा। वेरी नाइस। वी आर एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। आई वांट टू टच मी नॉट। ओह, पुक्कू को टच मी नॉट बहुत पसंद होता है। फ्लावर्स कोई भी कलर के हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक खूबसूरत सा फ्लावर। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत वैरायटीज के हैं, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। कुंडलपेट कर्नाटका के फूलों की वादियाँ, जहाँ से हम प्लांट्स लेना मिस नहीं करना चाहते। और ये स्ट्रीट लाइट मुझे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ये है मैसूर का फेमस मैसूर पैलेस। ये गेट यहाँ पे बंद है, ये कह रहे हैं कि साउथ गेट खुला हुआ है। हम देखते हैं, हम शायद ना जा सके अंदर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जस्ट मैंने बाहर से आपको दिखा दिया।
बहुत ही बड़ा है और काफी खूबसूरत है ये। अब हम कितने देर में पहुंच जाएंगे बैंगलोर? आई थिंक अभी भी 2 hours लगने वाला है। थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा है, लास्ट आने वाले दिन काफी कम ट्रैफिक था और आज थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा है क्योंकि सब जगह ये सब लॉकडाउन था जब हम आ रहे थे। अभी लगता सभी कुछ खुल गया है तो रोड पे काफी ट्रैफिक है। कोई नहीं, अब तो हमने खा लिया है कुछ तो हम 2 घंटे में भी पहुंच जाए तो चलता है। हमारा day 3 का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ना भूले। और हम अपने घर पे आ गए। ठीक है, फिर आपसे फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बाय।